बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी करते हुए ये ग्रामीण शौक देहात के नगला आशा के हैं, जहां ट्रांसफार्मर को फूके हुए काफी दिन हो गए। गांव वालों ने इसे लेकर विभाग के जेई से मिलकर सही कराने की मांग की, मगर ट्रांसफार्मर अभी तक सही नहीं हुआ। इसके लेकर ग्रामीणों ने अंधेरे में रहना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में डबल फेस करंट प्रवाहित होने से घरों के इलेक्ट्रिक जो सामान है वो खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जेई पर चौथ वसूली का आरोप भी लगाया और कहा कि जेई साहब आए दिन कैंप लगाकर बिल वसूली करते हैं, मगर अब तक उनका फूका हुआ ट्रांसफार्मर सही नहीं करवा पाए हैं। अगर जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो उच्च अधिकारियों के सामने यह समस्या लेकर जाएंगे। और इस मौके पर भरत सिंह, रामवीर सिंह, लाल सिंह, बीर सिंह, सागर आदि लोग मौजूद हो गया है। ट्रांसफार्मर खराब होते हुए बोलू से अलग कह लई, मानू से अलग कह लई, न उसमें तेल डलवाया है, न मतलब ये कि रोड डली है, आई समझ में ये कौन सा तरीका है, मतलब ये कि और गांव में आ जाते हैं और कैंप शुरू कर देते हैं। नाम है मेरा रामवीर सिंह। कौन सा गांव है? आप जो बिजली विभाग के साथ इतना नाराज दिखाई दे रहे हो, क्या कारण? अरे दिखाई क्या दे रहे हैं, मैं तो चार चार आठ आठ हज़ार के घर में नुकसान हो गए, ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा और कहते हैं तो बोले कुछ है ही नहीं हमारे पास में, ये जेई की मेहरबानी है जो मतलब उसको कर रहा है। क्या कर रहा है ऐसे पता नहीं क्या, चौथ वसूली वाला सौदा बना रखा है इन्हें।